मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, राम कृष्ण तार को माधव को बनाया रे, राम कृष्ण तार को माधव को बनाया। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद यंत्र मंत्र प्रदेश की संसद से कुछ सौ मीटर की दूरी पर, जहां भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के बैनर तले देश भर के तमाम राज्यों से हजारों की संख्या में नौजवान यहां पहुंचे हैं। ये नौजवान अपने लिए रोजगार की मांग को लेकर यहां पहुंचे हैं, क्योंकि जब वर्तमान में केंद्र में सत्ताधारी जो दल है उसने चुनाव से पहले 2 करोड़ नौकरियों का हर साल वादा किया था, जो अभी तक पूरा होता नहीं दिख रहा। इन्हीं सवालों को लेकर, रोजगार से जुड़े बाकी तमाम सवालों को लेकर ये नौजवान यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे क्या है समस्याएँ और किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं, और अगर आज इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे का इनका रास्ता क्या होगा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के हर राज्य से हमारे जो युवा संगठन है के साथी जंतर मंतर में उपस्थित है, और हजारों की संख्या में लोगों ने सफर तय करके कहा है मेरा रोजगार मोदी सरकार जवाब दो, ये सवाल उठाया है, और हर हाथ को रोजगार दो का नारा लेके आज हम संसद पे आए हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। देखिए, बेरोजगारी की जो आपातकाल है, ठीक है, ये कोविड से पहले भी थी। हम 4 साल से राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी मांग रहे हैं। जैसे गांव में मनरेगा है, उसी तर्ज में हम शहरी युवा के लिए, शहरी कामगारों के लिए 200 दिन के काम का आश्वासन मांग रहे हैं। अभी आंकड़े चौंका देने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी नीतियाँ आती हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो रोजगार विरोधी होती है और रोजगार पे हमले करती है। अभी आप देखिए, प्रदूषण हो रहा है जो फैक्ट्री और कारखानों के धुएं के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे जो लाखों कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं जो दिहाड़ी कमाते हैं, उनको बोला गया है कि 1 हफ्ते आप काम बंद कीजिए। अगर काम बंद करवा रहे हैं तो उनसे बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए सरकार को। ये हमारी दूसरी मांग है कि शहरी रोजगार गारंटी कानून तो हमें चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, लेकिन कानून बनाने में समय लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि शहरी युवा जो हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता दे। कॉरपोरेट क्रिमिनल नेक्सस जो सरकार चल रही है, उन्होंने 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ जॉब्स देंगे, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि उसके अलग ही हो रहा है, जॉब्स कम हो रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। ओवरऑल जो रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन है, उसका असर कितना हिंदुस्तान पे पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जॉब्स लॉस हो रही है, और जो ये सरकार है उसको रोकने के बजाय ये पूरा खुद इन्वेस्ट कर रही है चंद लोगों के फायदे के लिए, जिससे जो रिसेशन कवर करना है वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से करना है, वो रिसेशन उनसे निकालना है कि जो लोग जो कॉमन लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे रोज़गार से, परचेसिंग पावर कम होगा। और हम यहाँ पर आज इसीलिए है कि जो पूरी कंट्री का जो नौजवान है उनको जॉब मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, तो इसलिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ पे आज खड़ा है कि हम अपना डिमांड कर रहे हैं कि ये सरकार, अगर हमारे पैसों से चल रहा है, देश भर के लोगों के टैक्सेस से चल रही है, तो ये लूट अडानी अंबानी के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि वापस लोगों के पास आने चाहिए। बेरोजगारी दर भारत का उच्चतम स्तर पर पहुँच गए है। अभी ये अक्टूबर महीने में देश का बेरोजगारी दर था 7.77%, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने जंग लड़ना है हम लोगों को, क्योंकि देश में ये BJP के शासन में, राज में ये बेरोजगार का जो समस्या है बहुत बढ़ चुकी है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम पार्लियामेंट में इस भी आए हैं कि पार्लियामेंट मार्च करने, क्योंकि मोदी को हमको ये सिखाना है कि आपको ये नीति बदलनी होगी, नहीं तो हम सरकार बदल देंगे। युवा के साथ बहुत बड़ी समस्या आए हैं, अगर बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो उनके लिए नौकरी नहीं है कोई भी, ठीक है ना, और कुछ नौजवान तो पूरी डिग्री करके बैठे हुए हैं, आत्महत्या तक ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी सर। हर घंटा हर दिन 8,000 बच्चे सिर्फ नाक हरक खाकर मर रहे हैं, इसके खिलाफ आज आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंबानी और अदानियों का पैसा हर दिन बढ़ रहा है। 2021 के आंकड़े थे जहाँ पर बताया गया 10 लाख करीब जो है सरकारी पोस्टों पर, केंद्र सरकार सरकारी पोस्टों पर जो है पद खाली है, तो जब पद खाली हैं और जो है 22 आ चुका है तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके खिलाफ, यानी कि हम चाहते हैं कि सरकारी पोस्टों पे तत्काल भर्ती हो। इसके अलावा साथ ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब लॉस है या फिर जॉब जो छिन जा रहा है उनका जॉब, उसके खिलाफ भी है कि ये जॉब क्यों छिन रहा है,
क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी यूथ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो हम जो है जॉब लॉस और जॉब देने की प्रक्रिया जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे सुबह को चाय, दोपहर को पकौड़ा, रात को चौकीदारी, मजा आ रहा है। बस कह जाओ राम मंदिर बन गया, खुश हो रहे हैं। मंदिर मस्जिद की तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे विद्यालयों की बात कौन करेगा। नई शिक्षा नीति में यहाँ पे प्राइवेट कोर्स, जो बच्चा काम करते करते पढ़ लेता था, बीए कर लेता था, बीएससी कर लेता था, वो बिल्कुल अब बंद कर दिया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब आप ये देखिए, मैं अपनी बात बता दूं, एलएलबी एकमात्र कॉलेज है जिला सहारनपुर के अंदर, जैन डिग्री कॉलेज, और उस एलएलबी को भी ख़त्म करने की अब तैयारी है, क्योंकि बाहर के जो दुकानें हैं जो 20,500 एक साल लेते हैं, वो एक साल का। अब देखिए, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी मजदूर हैं, मैं 2,000 रुपये दे करके वहाँ पर अपना एक साल एलएलबी कर पा रहा हूँ, और अगर मैं बाहर पढ़ूँगा वही कोर्स 20,500 में मुझे पड़ेगा। DYFI का स्थापना 43 इयर्स पहले आज ही का दिन हुआ था, और उस दिन से हम लोगों का एक ही मांग है कि सबको शिक्षा, सबको काम, और ये सरकार को सांविधानिक तौर से स्वीकृत करना पड़ेगा। और ये काम आज तक नहीं हुआ, लेकिन उसका उल्टा धारा में काम चल रहा है। उसी के खिलाफ आज दिल्ली में पूरा भारत का बेरोजगार नौजवान DYFI के नेतृत्व में आज यहाँ पर जुटे हैं। आगे का रास्ता ये है कि आज जो आंदोलन हो रहा है, अगर इसके बाद नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग देशव्यापी जो है एक आंदोलन और खड़ा करेंगे, जो कि सरकार के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा।